हेलो, पहली है बालाघाट की ओर से आ रही है वन प्लस टू, एक अंक बोनस के और दो प्लेयर आउट। वन प्लस टू पहले गलती क्या करते हो रेडर आउट, एक अच्छी कैच बालाघाट तो एक अंक का जीत हुआ, तो मिला कुल चार अंक बालाघाट के। आठ नंबर के खिलाड़ी आउट करने में कामयाब, चार नंबर के खिलाड़ी दोबारा से। ये जो ऊपर लटका के बैठे पैर, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, क्यों गायब कर रहे? जो खिलाड़ी ऊपर है कभी नीचे बैठे, नीचे बहुत जगह उनको मैच देखने के लिए। नीचे आ जाए सभी लोग, जितने खिलाड़ी ऊपर है सभी नीचे आ जाए, नीचे बहुत जगह है, नीचे से आके आराम से देखिए मैच को, किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना से बचें। कोई ना बोले अभिषेक अपने जजमेंट के लिए सक्षम है, उन्हें माना मैं तीन खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब। भैया के खिलाड़ी तुमका राइट बना एक अच्छा टैकल भैया द्वारा और बालागढ़ के खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब। पूरी खिलाड़ी पूरी टीम को ऑल आउट करने में कामयाब, फाइटर की टीम और तीन अंक जीत लिया। बहुत अच्छी खेल, खिलाड़ी आउट करने में कामयाब, फाइटर की खिलाड़ी रेड रियल की ओर से। इसके पश्चात इसके फाइनल होगा, इसके पश्चात फिर फाइनल मैच होगा। बहुत देर बाद मैदान पर दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थी खिलाड़ियों को खाने के लिए। भैया अपने पूरे दमखम से बालाघाट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए ऑफिशियल स्कोर ध्यान दें, हर शीट पे लिखते जाएं कि ये कौन सा मैच है, ये सेमीफाइनल है, इस स्कोर शीट के सेमीफाइनल है, स्कोर शीट का सेमीफाइनल है, ऑफिशियल स्कोर शीट के सेमीफाइनल लिखते हैं।
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एक रोमांचक मैच बहुत अच्छी पकड़, बहुत ही अच्छी पकड़ पंजाब के खिलाड़ी ने जैसे ही पकड़ा वैसे ही बहुत अच्छी पकड़ भैया जबकि पहले ही रेट में बालाघाट में अगर तीन पॉइंट अर्जित किए थे इसके पश्चात भैया लगातार उनके प्रभावित होते हुए बालाघाट की बार प्रयास में टैकल किया और पुल करके बाहर किया हमारा खिलाड़ी एक नंबर जैसी खिलाड़ी है दो नंबर की जर्सी हरीश रेड करते हुए कैच करने करते हुए ग्राउंड पर बालाघाट के तीन नंबर रेड डालते हुए अच्छी रेड बोनस का प्रयास करते हुए सात नंबर के खिलाड़ी भेजे थे तीन नंबर के खिलाड़ी बालाघाट टीम में पुनः रेड करते हुए बहुत अच्छा ग्रैंड का क्रॉस था लेकिन पंजाब के खिलाड़ियों ने उसे कामयाब नहीं होने दिया और खिलाड़ियों को अपनी सरजमी पर दबोच दिया दो नंबर के खिलाड़ी हरीश भैया से ग्रैंड करते हुए जहां भाई भैया थे सातों प्लेयर मैदान में बनी भैया के रिसर्च तीन प्लेयर ही मैदान में बालाघाट तीन प्लेयर ही मैदान में एक लोडाउन पहले ही भैया को प्राप्त हो चुका है ये बालाघाट की रेड बालाघाट की दस नंबर के खिलाड़ी रेड करते हुए अपने रीच छोड़ चुका है अंदर आ चुका है इसका पैस की तरह वैसे ही उसके पर चम करके पूरे के पूरे ग्रामीण में जिंदा पहुंची गया टू प्लस वन दो खिलाड़ी विजय थी सुपर टैकल का पूरा मौका बालाघाट को सुपर टैकल का मौका और यह टीम के सामने बालाघाट टीम अपना उत्कृष्ट का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है सही पकड़ा खगा वन टू एंड थ्री थ्री प्लेयर्स आउट हैं तीन प्लेयर ने टैकल किया तीनों प्लेयर बाहर आ गए छह नंबर दो नंबर और आई थिंक सात नंबर तीन प्लेयर आउट किया पहला हाफ समाप्त
बालाघाट ही में नहीं कॉलेज चल रहा है। रहते कहाँ? हुगली। हुगली में पढ़ रहा। पहला टीम मैनेजर आदेश पकड़ लीजिए। पकड़ने का नाम कारण सब खम लगाने के लिए कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा की पूरा दम लगाते हैं। थम मत लगाए दम लगाए। मुश्किल से एक इंच दूर थे डुबकी से। अगर डुबकी में काम ले जाते तो मुझे लगता है पूरी टीम को ले आते वो। बात मछली है आराम से पकड़े फिसल जाती है। एक ही खिलाड़ी मैदान में खिलाड़ी ने अपना आउट होने का डिसीजन स्वीकार किया। ये अच्छा खेल का परिचय होता ही है। अगर खिलाड़ी आउट हो उसे मान लेना चाहिए कि वो आउट है क्योंकि रेफरी की वजह कभी भी चौकी नहीं है। अच्छे खिलाड़ी का इकट्ठा होता है कि मान लो बिना एक खिलाड़ी आठ नंबर की जर्सी पे बालाघाट इसी बात का संघर्ष करते हुए और दो खिलाड़ी आउट पांच नंबर और नौ नंबर टाइम आउट भैया सारा लिया। दस नंबर के खिलाड़ी अपनी टीम को वापस जीता करने के प्रयास करते हुए कहाँ जाएगा? कोच का निर्देश इसे पकड़ना छोड़ना नहीं है और वही खिलाड़ी का ये कहना रेफरी की टीम का नाम है। रेफरी को देख रहा है कि क्या हुआ है। बहुत ही हमारे नालबरा क्षेत्र के माहिर रेफरी लाइन कट पे जो है बढ़िया टीम के खिलाड़ी बाहर और रेडर से बहुत अच्छा डिसीजन। एक बार तालियां बजा सभी दर्शक। एक अच्छा डिसीजन रेफरी की पार्किंग नजर से लिया गया डिसीजन। साइड लाइन क्रॉस करने के कारण बढ़िया टीम खिलाड़ी को आउट किया गया और रेडर पर सेव किया गया। ये अच्छी पकड़ है। जैसे ही सोनी जी ने देखा कि टीम पीछे जा रही है उन्होंने अपनी टीम को पेट्रोल का फायर लगाने का आदेश दिया। पेट्रोल पेट्रोल के फायर के साथ टीम चैन है
both out, both out, both out, both out. This man is to be dismissed. No comments. दोनों टीम की एक एक खिलाड़ी आउट। प्रॉपर केयर नहीं बनी थी बेटा, बाद में पकड़ा पैर। टाइम पास करो बाबा, इसको बैठा पीछे पीछे प्लेयर को बैठा दो, प्लेयर को बैठा दो, लाइन मैन, लाइन मैन, लाइन मैन, प्लेयर को बैठा दो, लाइन मैन। नो कमेंट। बाहर से था यार, बाहर से था यार। सभी खिलाड़ी ना बोले। दो नंबर खिलाड़ी मिले कहिए कि ये मस्त खिलाड़ी और वहाँ की करंट टैकल करने का प्रयास, वहाँ की ऊपर आकर टैकल किया, इतने ऊपर कभी उठने टैकल नहीं किया था, खासकर बैटिंग पर, क्योंकि अगर खिलाड़ी सिर्फ ड्राइव कर लेता तो अपना सेव कर लेता। और ये और ये फिर से करंट टेकर, एक नंबर के खिलाड़ी बार बार करंट टेकर करते हैं और सामने वाली टीम को एक मौका दे देते हैं अपने खिलाड़ी को जिंदा करने का। मुक्की को मारेगा अब हेड गाइस, तो ये पांच पीछे खेल रहा था, पांच नंबर का खिलाड़ी बहुत ज्यादा ऊपर आकर खेलने का प्रयास कर रहा था और आउट हो गया। चार खिलाड़ियों ने बिल्कुल चारों दो खिलाड़ियों ने दो पैर और दो खिलाड़ियों ने हाथ उठा दिया, वैसे ही किया भैया ने भी, पांच लोगों ने तो पूछा, दो ने हाथ, दो ने पैर और एक ने छाती पर। टाइम आउट लिया गया, और सभी खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है भैया भी, जिसे सभी खिलाड़ी दो खिलाड़ी आउट और पालक भैया के दो मैच पॉइंट के लिए और बहुत ही प्यार से आउट करके गए थे। दो पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट बालाघाट। अठारह अंकों की बढ़त अभी भैया के पास, अठारह अंकों की बढ़त है, अठारह अंकों की बढ़त है भैया के पास अभी। डुबकी क्यों मारेगा ये तो? पता नहीं ये क्या प्रयास किया, ये प्रयास समझ में नहीं आया क्यों किया गया। एक पॉइंट और भैया को, पकड़ा गया मारने या पढ़ने का स्किल अंतिम समय की ओर
और खिलाड़ी बाहर, रेडर आउट, रेडर आउट, इसका तो सिलेक्शन मत लगी है। लास्ट प्लेयर की घोषणा, ऑफिशियल फैन कीपर ये मामा।